हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो है टॉप 8 बाइक्स फॉर ले लद्दाख बाइक ट्रिप। मैंने पिछली वीडियो में थिंग टू कैरी फॉर ले लद्दाख बाइक ट्रिप, बेस्ट बजट फॉर ले लद्दाख बाइक ट्रिप और बेस्ट मंथ फॉर ले लद्दाख बाइक ट्रिप के बारे में वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे है तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉप 8 बाइक्स फॉर ले लद्दाख बाइक ट्रिप, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप ले लद्दाख बाइक ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम 150 सीसी और अबाव 150 सीसी की बाइक होनी चाहिए, तब आप उसको ले लद्दाख बाइक ट्रिप के लिए ले जा सकते हैं। आप ले लद्दाख बाइक ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो वहां पर अच्छे रोड भी आएंगे, रफ रोड भी आएंगे और पानी वाले रास्ते भी आएंगे। तो सबसे बेस्ट बाइक का मैं नाम बताऊंगा। सबसे पहली बाइक है हिमालयन रॉयल एनफील्ड। हिमालयन रॉयल एनफील्ड काफी अच्छी बाइक है, एवरेज भी काफी अच्छा देती है। तो आप चाहे तो हिमालयन रॉयल एनफील्ड बाइक को आप ले लद्दाख बाइक ट्रिप पे ले जा सकते हैं। पेट्रोल टैंक की बात करें तो 15 लीटर का पेट्रोल टैंक है और हिमालयन रॉयल एनफील्ड 25 किलोमीटर पर लीटर एवरेज देती है। दूसरी बाइक की बात करते हैं। दूसरा बाइक है 350 क्लासिक रॉयल एनफील्ड। फ्रेंड्स, मैं एक बात बता दूं, आपको पूरी लेह लद्दाख बाइक ट्रिप एंजॉय करना है, आराम से बाइक चलाना है और सबसे पावरफुल बाइक क्लासिक 350 ले लद्दाख के लिए सबसे बेस्ट है। और क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड का पेट्रोल टैंक है 13.5 लीटर का और क्लासिक 350 35 किलोमीटर पर लीटर एवरेज देती है। आप चाहे तो ले लद्दाख बाइक ट्रिप के लिए क्लासिक 350 यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं डोमिनार 400। डोमिनार 400 बहुत ही अच्छा बाइक है, उसको आप ले लद्दाख बाइक ट्रिप पे ले जा सकते हैं। डोमिनार 400 का 13 लीटर पेट्रोल टैंक कैपेसिटी है और 27 किलोमीटर पर लीटर एवरेज देता है। आप चाहे तो ले लद्दाख बाइक ट्रिप के लिए डोमिनार 400 यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं केटीएम ड्यूक 390 की। केटीएम ड्यूक 390 काफी अच्छा बाइक है, उसको आप ले लद्दाख बाइक ट्रिप पे ले जा सकते हैं। केटीएम ड्यूक का पेट्रोल टैंक कैपेसिटी है 13.5 लीटर और उसका एवरेज है 28.9 किलोमीटर पर लीटर। केटीएम ड्यूक 390 को आप ले लद्दाख बाइक ट्रिप पे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं
एवेंजर स्ट्रीट 220। एवेंजर स्ट्रीट 220 का सीट काफी नीचे होता है और चलाने में काफी कंफर्टेबल है। उसको आप लेह लद्दाख बाई ट्रिप पे ले जा सकते हैं। एवेंजर स्ट्रीट 220 का पेट्रोल टैंक कैपेसिटी है 13 लीटर और 40 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देता है। उसको आप लेह लद्दाख बाइक ट्रिप पे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं पल्सर 220 की। पल्सर 220 काफी अच्छा बाइक है। एक बात बताऊं, अगर आप लेह लद्दाख बाइक ट्रिप पे जा रहे हैं, पानी वाले रास्ते आते हैं, तो पल्सर 220 का टायर कहीं पर भी फंसने वाला नहीं है। आप चाहे तो पल्सर 220 को आप लेह लद्दाख बाइक ट्रिप पे ले जा सकते हैं। उसका पेट्रोल टैंक कैपेसिटी है 15 लीटर और 40 किलोमीटर पर लीटर पल्सर 220 एवरेज देती है। अब बात करते हैं हीरो इम्पल्स की। हीरो इम्पल्स बहुत ही अच्छा बाइक है, बहुत ही स्पोर्टी बाइक है। उसको आप ले लद्दाख बाइक ट्रिप पे आराम से ले जा सकते हैं। तो हीरो इम्पल्स का पेट्रोल टैंक कैपेसिटी है 11.10 लीटर और 69.8 किलोमीटर पर लीटर एवरेज देता है। अगर आप लेह लद्दाख बाइक ट्रिप के लिए प्लान कर रहे हैं तो हीरो इम्पल्स को आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं यामा फेजर की। यामा फेजर बाइक आपको रफ रोड पर काफी हेल्पफुल रहता है। आप चाहे तो लेह लद्दाख बाइक ट्रिप पे यामा फेजर को ले जा सकते हैं। यामा फेजर का पेट्रोल टैंक कैपेसिटी है 12 टू 14 लीटर और एवरेज 39 टू 45 किलोमीटर पर लीटर एवरेज देता है। तो मैंने आपको लेह लद्दाख बाइक ट्रिप के लिए सबसे टॉप और सबसे बेस्ट 8 बाइक्स के बारे में आपको बताया है। आप ये 8 में से कोई भी बाइक को लेह लद्दाख बाइक ट्रिप के लिए आराम से ले जा सकते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।